आज जा रहे पोखरा से काठमांडू। सो गाइस ये है शिलाजीत। कोई कोई 35 में गाड़ी ऐसा ऐसा चल रहा है, ऐसा ऐसा। अरे बु। बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, मचाएंगे, आराम आराम से जाएंगे ताकि सो नहीं जाएंगे। ऑल द हिमालयंस। व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड आज का है डे 9 और मैं हूँ पोखरा में और हम आज जा रहे पोखरा से काठमांडू पशुपतिनाथ के दर्शन करेंगे। सो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। और सूर्यदेव भी आ चुके हैं, जय सूर्यदेव। सो ऑल पैक्ड, रेडी टू गो। और नेपाल में दो चीज़ें फेमस है, रुद्राक्ष एंड मैंने और कुछ मंगाया था जो कि है शिलाजीत। सो ओनर से वो कलेक्ट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। और बाइक अपनी रेडी है, सामान रख दिया है। सो लेट्स रोल एंड वेलकम वंस अगेन टू KG मोटो लाइफ। ओके, सो ये अपने ओनर है यहाँ के होटल के, होटल डॉली के। नमस्ते। सो मैंने आपसे दो चीज़ें मंगाई थी, रुद्राक्ष और, तो आपने बोला कि आपने कहा था कि एक मुंह वाला रुद्राक्ष। हाँ, एक मुंह वाला रुद्राक्ष जो है वो रियर में मिलता है। ओके। वो कहते हैं कि एक पेड़ में मतलब लाखों फल होता है, उसमें से एक दो ही फल एक मुंह वाला होता है। मतलब आप बोल रहे हो कि अगर मैं लेता तो शायद फेक मिल सकता था। हो सकता है, और वो कहीं भी अगर मिले तो लाखों में उसका कीमत होता है। ओके, समझ गया। और ठीक है, ये जो रुद्राक्ष है इंडिया और इंडोनेशिया से भी आता है। ओके ओके, समझ गया। ठीक है, तो रुद्राक्ष मत दीजिए। और दूसरी चीज मैंने जो मंगाई थी नेपाल में फेमस है शिलाजीत। जी जी, वो कहते हैं कि वो पहाड़ से निकला हुआ, पहाड़ का पसीना है ऐसा। मतलब वो सयों साल से, मतलब ये आयुर्वेद है, आयुर्वेद जो वैद्य लोग वो सेल करते हैं। ओके। हम भी जो हमारा दादी माँ, मतलब दादाजी का ज़माना से जिस वैद्य का दुकान है जहाँ से वो लोग दवाई लाते थे, जिस टाइम मेडिसिन नहीं था, तो उस वो दुकान अभी तक है। मतलब उसका 100 साल का हिस्ट्री है। 100 साल पुराना दुकान है जी। नाइस। हमने अभी जो भी हमारे हमें ज़रूरत पड़ता है तो हम उसी दुकान से लाते हैं। ओके। तो वही आपने जो कहा था आप, हाँ, ये बोल के हमने वो आपको उसी दुकान से ला के दे रहे। वो बोल रहे हैं कि इसमें 4 तोला है। ओके। इसमें 4 तोला है। ओके। तो हाँ, मार्केट में लोग रास्ता में भी सेल करते हैं। ठीक। हाँ, लेकिन उसका क्वालिटी क्या है। हाँ, और उसका गारंटी तो हम नहीं दे पाएंगे। ओके ठीक है। और जो हमने आपको दिया मतलब वो बहुत पुराना, उसका गारंटी है। उसका गारंटी मतलब वो 100 साल का हिस्ट्री, हम उनको 100 साल से जानते हैं, क्योंकि हमारे दादी माँ, दादा, हाँ, दादाजी भी उसी दुकान से दवाई लेते थे। ओके, समझ गया। तो हम उनको विश्वास करके ले रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच, आपने प्योर ये चीज़ दिया। सो गाइज ये है शिलाजीत और ये लेते हैं और अभी मिलते सीधा बाइक पे, निकलते काठमांडू के लिए। ऑलराइट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू KG मोटो लाइफ पीपल। एंड होटल से निकल चुके हैं काठमांडू जाने के लिए और यहाँ से दिखा रहा है 7 hours 32 minutes 203 kilometers। सो पोखरा से मुक्तिनाथ से पोखरा रिटर्न हो गया सेम पेट्रोल पे। उसके बाद पेट्रोल भराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सो 1100 का पेट्रोल भराया था टोटल। ओके पीपल, सो 1400 नेपाली करेंसी का पेट्रोल आया है। क्विक अपडेट, हाईवे है लेकिन काम चालू है, जोरों शोरों से। सो दैट्स द रीज़न ये दिखा रहा है 7 hours 4197 kilometers। सो अभी ये जो रास्ता बन रहा है, आई थिंक चाइना काम कर रहा है इस पर, क्योंकि जो वर्कर्स थे उनके पीछे चाइना लिखा हुआ था। सो और एक चीज़ मेरे को आपको बताने का याद आया। सो मुक्तिनाथ वाला जो रास्ता है वो रास्ते पे 5-10 किलोमीटर या मुक्तिनाथ से जो 5-10 किलोमीटर का स्ट्रेच है वो एकदम प्रॉपर टारमैक है। तो कैसा है, तीन कंट्री का कंट्रीब्यूशन है वो रोड पे। सो वो रोड जो है तीन कंट्री में डिवाइड किया गया है। फॉर एन एग्जाम्पल 9 किलोमीटर का पैच है तो 3 किलोमीटर चाइना ने संभाला है, 3 किलोमीटर दूसरा कोई कंट्री है और 3 किलोमीटर इंडिया ने संभाला है। सो गुड टू नो इन्फॉर्मेशन। ये देखो एक ट्रैक्टर भी है ना, ये चाइना का है, देख रहे हो। ऑफ रोड फुल ऑफ रोड है।
क्या व्यू है मस्त. ग्रीनर साइड ऑफ नेपाल इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल. और लगता है पूरा रास्ता ऐसा ही रहने वाला है, इसलिए 7 घंटा दिखा रहा है 200 किलोमीटर का. आगे कोई होटल भी नहीं मिल रही है जहाँ पे मैं रुक के चाय या बिस्किट खा लूँ, क्योंकि यहाँ पे तो सब नॉनवेज ही बनता है. तो चाय बिस्किट अगर मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, नाश्ता कर लेते आगे, भूख लगी है तगड़ी वाली. सो 8:30 हो रहा है, आई थिंक 7:15 को मैंने राइड स्टार्ट कर दिया था. तो निकलते आगे, फुल ऑफ रोड. और ये जो है ये फॉग नहीं है, पोल्यूशन है, क्योंकि पहाड़ों पे घास से घास जलाया है, पेड़ जलाए हैं. बकरी बैठी थी ऊपर, देखा. राइड हो रहा है, जूप 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 जूप, ये देखो. और मज़ा आ रहा है इधर चलाने के लिए. खाली स्लिपरी वाला पैच संभालना है, अदरवाइज इट्स फन. कुछ दिखाता हूँ आपको, ये आगे वाला ट्रक जो है वो पानी डाल रहा है. कैसा डाल रहा है वो देखो, मस्त वाला एकदम. ये देखो मस्त एकदम कैसा डाल रहा है देखो. अरे मैं भी गिल्ला हो जाएगा. मतलब आगे ट्रक के नीचे पाइप है ऐसा, और फुल शावर ऐसा जा रहा है, मस्त एकदम नाइस. कोई कोई पैचिस में गाड़ी ऐसा ऐसा चल रहा है, ऐसा 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 ऐसा. गोइंग गुड, एक्सपल्स फुल संभाल रहा है, और तुम्हारा भाई भी थोड़ा मैनेज कर रहा है. ओके सो चाय पीते, नाश्ता करते, चाय और बिस्किट खाते और निकलते हैं यहाँ से. प्रॉपर हाईवे, पूरा रास्ता देखो फुल वाट लगी पड़ी है. और ये भी देखो जूते, कितना किलोमीटर चलाया मैंने, 15-20 किलोमीटर चलाया सिर्फ. सो लुक एट दिस, ये देखो यहाँ पे कीचड़ देखो. चलो खा लेता हूँ, मिलता हूँ. चाय पिएंगे व्यू के साथ. चाय पी के निकल गए हैं, 5 किलोमीटर और आगे आ गया हूँ. कोई तो बड़ा शहर है ये, नाम नहीं पता चल रहा है. दामोली तानाहुन. एंड हीरो का भी है शॉप एंड सर्विस सेंटर, ऑसम. दानोली होंडा का भी है, TVS का भी है, यामा का भी है, सो गराज भी है. सो बड़ा शहर है, पेट्रोल पंप भी है यहाँ पे. सो 50 किलोमीटर क्रॉस करोगे आप तो आपको ये शहर मिलेगा जहाँ पे सब सुविधाएं अवेलेबल है. पूरा रोड स्लिपरी है, लोअर मस्तक में नहीं गिरा लग रहा है, यहाँ गिरूंगा. पूरा स्लिपरी है, पूरा मतलब पूरा. ये भी है वो थोड़ा थोड़ा स्लिप मार रहा है, पूरा बाइक ऐसा 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 ही चल रहा है. वो जो वॉकर था वो भी बोला स्लो जाओ, बोला ओके सर. कोई पैचेस ही है, सब नहीं है. पूरा पहाड़ काट के बड़ा रास्ता कर रहे है, काम तो जोरों शोरों से चालू है. ये अपना JCB है, और पहले वाले थे वो चाइना के मशीन्स थे. सो आई थिंक ये पार्ट फिर इंडिया को रहेगा. मस्त जंगल जैसा इलाका लग रहा है ये. मेरे नेपाल के भाई लोग अगर कोई वीडियो देख रहा है तो कमेंट में मेरे को बताओ, रेड कलर का जो ये नंबर प्लेट होता है गाड़ी का, दैट इज़ फॉर प्राइवेट व्हीकल्स.
और ग्रीन कलर का भी नंबर प्लेट आता है, दैट इज़ फॉर टूरिस्ट। तो ये ब्लैक वाला क्यों है फिर? ये ब्लैक क्या है फिर? मतलब ग्रीन, रेड और ब्लैक, ये तीनों का नंबर प्लेट का डेफिनेशन क्या है? प्लीज़ कमेंट बिलो। यह है मॉडर्न इरा नेपाल भारत मैत्री बस सेवा। नेपाल भारत मैत्री बस सेवा करके बस है ये, और दिल्ली का भी फ़ोन नंबर डाला हुआ है। पता नहीं ये क्या है, अगर किसको पता है तो कमेंट में बताओ कि ये क्या सर्विस है। मतलब दिल्ली से नेपाल तक का टूर्स है या गवर्नमेंट का कुछ है, प्लीज़ अपडेट। आबू खैरनी करके कोई गांव आया है, यहाँ से अभी भी दिखा रहा है 4 hours 26 minutes 118 kilometers। सो अभी पहाड़ चढ़ रहे शायद। सो मुगलिंग पहुंचे हैं, यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको। सो ये रास्ता जाता है पोखरा, जहाँ से अपन आए, ये लेफ्ट मारना है और अपन जाएंगे इंडिया के तरफ यहाँ से। और क्या ही नज़ारा है, हु। नेपाल के आप कोई भी कोने में चले जाओ, आपको अलग व्यू ही मिलेगा, कुछ ना कुछ नया देखने मिलेगा, सेम टाइप सिमिलर टाइप का लगेगा ही नहीं। बहुत कुछ है नेपाल में घूमने जैसा। पोखरा के बाद 50 किलोमीटर पे एक पेट्रोल पंप है, उसके बाद में और 60 किलोमीटर, सो 50 किलोमीटर एंड 110 किलोमीटर पे पेट्रोल पंप है। और यहाँ से फिर काठमांडू रहता है 84 किलोमीटर। नेपाल के आर्मी के ट्रक्स जा रहे हैं, और ये देखो, अरे बाप रे, इसमें तो जो स्लिप मारेगा ना गाड़ी, आराम आराम से जाएंगे, आराम आराम से जाएंगे। अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर लिया है अभी, दिखा तो एक मिनट रुको, क्रॉस कर लें तो वरना सो जाऊंगा। नहीं हो रहा है, बाद में करते हैं। अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर लिया है, यहाँ से दिखा रहा है अभी और 59 किलोमीटर दिखा रहा है। वो 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 वो, ये देखो, फुल स्लश, फुल स्लश। इसमें ब्रेक मारा तो सीधा लामलेट हो जाएंगे। बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ये देखो फुल फुल स्लश है, ब्रेक मत मारना, ब्रेक मत मारना, मचाएंगे। सो नहीं जाएंगे, आराम आराम से जाएंगे, मचाएंगे, आराम आराम से जाएंगे ताकि सो नहीं जाएंगे। ओ टच हो गया उसका, एक ब्रेक लेता हूँ। ओहो, वी हैव बाइकर्स, तमिलनाडु से बहुत सारे बाइकर्स है यार, नाइस। हे गाइस, ग्रेट, लेट्स मीट देम, ऑल द हिमालयंस। ओह नाइस, रोड्स आर ऑल प्रॉपर और नॉट प्रॉपर, इट्स कंप्लीटली ऑफ रोड। हाउ यू आर एबल टू डू विद द लगेज? Yeah, it's easy. I mean, used to it now. Yeah, see you, see you. All the best. So, Royal Enfield Club ka group mila. 33 bikers hai, jo Kathmandu by flight aaye the. Aur Kathmandu se wo log ne Manang kiya ride complete. Manang mera bhi karne ka plan tha. But wohi video dekhke, baatein sunke, थोड़ा रुक गया। मैं बोला कोई साथ में रहेगा तब जाऊंगा, अकेले किधर अटक गया तो लफड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो जो रास्ते देखे हैं उधर अकेले आप जाओगे और कोई हेल्प नहीं मिली तो दिक्कत हो जाएगी। बट बोल रहे 90 किलोमीटर्स का ऑफ रोड है मनंग। लोअर मस्तांग भी अगर मैं कैलकुलेट करूँ
तो अराउंड 100 किलोमीटर का ऑफ रोड है पूरा, सो उतना ही होगा। बट खाली एक चीज़ है, लोअर मस्टांग में गांव और बहुत सारे पब्लिक आते जाते रहते, तो हेल्प मिल जाएगी। मनंग के साइड पे मेरे ख्याल से हेल्प मिलना मुश्किल होगा। 2 किलोमीटर से जाम है ये, वो तो बाइक निकल रही उसके पीछे मैं जा रहा हूँ, वरना मैं भी रुक जाता था पीछे, बट निकलता था आस्ते आस्ते, बट लोकल्स है तो उनके साथ निकल लेता हूँ आगे। अभी क्या जाम है आगे जाके पता चलेगा। कहाँ हुआ है बबुआ? अरे बाप रे, बहुत लंबा जाम है यार, जाम तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ओ कुछ तो सीन हुआ है। 20 मिनट लगेगा खुलने के लिए बोल रहे, कुछ तो काम चालू है रास्ते का। सो धूप में रोस्ट होने से अच्छा है रुक जाते, ब्रेक ले लेता हूँ फिर निकलते, आराम से चिल मारते, जब खुलेगा तब देखेंगे। 1-2 रास्ता खोल दिया है। अभी हुआ क्या था यहाँ पे, यहाँ पे लड़की लोग ने आंदोलन कर दिया था, रास्ते ख़राब है इसके वजह से। सो मैं जहाँ पे बाइक रोका था दुकान के यहाँ पे, वहाँ पे जो लड़के लोग बैठे थे वो लोग बोल रहे 1.5 घंटे से वो लोग बैठे थे वहाँ पे, तो लकीली हम अभी आए, वरना 1.5 घंटा रुकना पड़ता अपने को। फ्यू मोर बाइकर्स, आई थिंक नेपाल रॉयल एनफील्ड वाले है। होंडा, नाइस बाइक ब्रो। टनल फुर जोर शोर में बन रहा है, विंटर में शायद ये रास्ता बंद हो जाता रहेगा स्नो के वजह से। आई थिंक काठमांडू पहुंच गए हैं, मैंने होटल का लोकेशन डाला है, 7.2 किलोमीटर 22 मिनट बता रहा है। सो ETA दिखा रहा था 3 बजे का और 2:20 को ही पहुंच जाएंगे। सो एक चाय का ब्रेक लिया था 10 मिनट का, उसके बाद कंटिन्यूस चला रहा हूँ सुबह 7:15 से। सो फुल पावर, मज़ा आ गया। आई थिंक ये काठमांडू ही है, यस काठमांडू लिखा था ऊपर। सो वेलकम टू काठमांडू पीपल, KG मोटो लाइफ इन काठमांडू। सो हमने नेपाल से एंट्री किया, एंट्री करके लोअर मस्टांग फिनिश किया, फिनिश करके पोखरा गए, पोखरा से काठमांडू आए, और इसके बाद देखते हैं और आगे का क्या प्लान है। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, सी यू रेस्टोरेंट में या फिर सीधा होटल में मिलते हैं। सो ये गली में है होटल, प्राइम लोकेशन है, यहाँ से एंट्रेंस है और वो रहा सामने होटल। ऑलराइट, थैंक यू, आई विल कम इन 10 मिनट्स। ऑलराइट, सो ये प्राइम लोकेशन है इसलिए रेट्स बहुत हाई है यहाँ के, नो व्यू। आज के लिए एक दिन के लिए सही है, 800 रुपीज़ में पड़ा इंडियन रुपी में, ठीक है। सो फ्रेश होता हूँ, खाना खाने जाते, मिलते। ओके, सो थामेल करके जगह है काठमांडू में, ये मेन मार्केट है टूरिस्ट के लिए, वहाँ पे ही मैं रुका हूँ। सो फाइनली मेरे को होटल मिल गया है। ऑलराइट, सो मैंने आलू पराठा मंगाया है एंड देखिए ये खाता हूँ और मिलता हूँ फटाफट। पढ़ाने के लिए हेल्प किया था और उनको बोला काशी विश्वनाथ जा रहा हूँ, तो ये काशी विश्वनाथ का पैसा दिया है, ठीक है, मैं वो पेटी के अंदर डाल दूंगा, ठीक है, यही डालूंगा मैं पक्का, ठीक है, बाय बाय बाय। आगे मुझे आगे तक छोड़ दो, आ जाओ, जमेगा आप मंदिर तक हो क्या? मंदिर नहीं जाऊंगा अभी, मेरा गाड़ी जहां से ले। ओके ओके, आप थामेल में? हाँ थामेल। पहली बार है या नहीं है? पहली बार नेपाल में? हाँ नेपाल पहली बार। आप क्या करते हैं? यहाँ पे चाय एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से, राइट? हाँ, एक चाय एक्सपोर्ट करते हैं और एक यहाँ पे ड्रिंक्स का मैन्युफैक्चरिंग है। ओके, सो ये बंदा जो मिला है ही इज द ओनर, ये ओनर है दारू के फैक्ट्री का
इनके यहाँ पे दारू बनती है, दूसरा इनका एक्सपोर्ट का बिजनेस है, चाय एक्सपोर्ट करते हैं। सो कभी कभी मिल जाते हैं सफ़र में अच्छे बंदे लोग। टेंपल के लेन में एंटर कर दिया है, यहाँ से सिर्फ 250 मीटर है टेंपल। हाँ, आप कहाँ से हो? गुजरात। कई बाजू वापी थी? तो बाइक अपनी यहाँ पार्क हो गई है। दो बंदे मिले थे मुंबई के, उन्होंने वहाँ से प्रसाद लिया था, वहाँ पे हेलमेट रखवा दिया है। और ये देखिए सूर्यदेव, और यहाँ से ही मंदिर का एंट्री है, एंट्री पॉइंट। सो नर्मदा रुद्राक्ष भंडार, यहाँ पे ओरिजिनल रुद्राक्ष भी मिलता है और सब डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। सो निकलते अभी यहाँ से। इन्होंने रुद्राक्ष की माला मुझे गिफ्ट की, प्लस दो चार रुद्राक्ष के फल भी दिए। वो वहाँ पे जो शॉप पे मैंने हेलमेट रखा था, प्लस मैंने मेरा रुद्राक्ष लिया वहाँ से एक, तो उन्होंने बताया कि जब बाहर से फॉरेनर्स आते हैं और एजेंट्स रहते हैं उनके साथ में या गाइड्स रहते हैं, वो सेम रुद्राक्ष जो मेरे को दिया उन्होंने 200 रुपए में, वो बेचते 1000 का। प्लस ये जो माला मेरे को दी है, वो माला वो लोग बेचते 1000 में या फिर लाख में, 5 लाख में भी बेचते सेम माला। सो ये नेपाली माला दी है मुझे। ये क्या है भाई साहब, इतना मस्त टावर। और एटीएम देखो यार, खतरनाक। कितने सारे एटीएम है, 1 2 3 4 5 6 7 सात एटीएम एक ही साथ में। भाई लोग, यहाँ से थामेल शुरू होता है। थामेल ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, लाइक मॉल रोड कैसा होता है सब बाजू, जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो, घूम सकते हो, वॉक ले सकते हो, तो वही है, वैसा जगह है। और मेरी होटल यहाँ पे ही है। सो मैं राउंड मारूंगा यहाँ पे, आपको दिखा देता हूँ कैसा है यहाँ का नज़ारा, फिर बाइक पार्क करेंगे और फिर देखते, भूख लग रही है तो खाना खाएंगे और फिर दिन ख़त्म कर देंगे। बात ना तू पढ़ा